नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 बेस्ट माइलेज एसयूवीज, मतलब भारत की 10 सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली एसयूवीज। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चलिए शुरू करते हैं। टेंथ पोजीशन पर है टाटा की हैरियर। इस गाड़ी में आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि 170 bhp की पावर और 350 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है 17 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में ये गाड़ी आपको 17 किलोमीटर तक का माइलेज देगी। 9th पोजीशन पर है किया की सेल्टोस। इस गाड़ी में आपको 3 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5 लीटर का डीजल इंजन और तीसरा 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है डीजल इंजन के लिए 20.8 किलोमीटर प्रति लीटर और इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है पेट्रोल इंजन के लिए 16.8 किलोमीटर प्रति लीटर। 8th पोजीशन पर है ह्युंडई की क्रेटा। इस गाड़ी में भी आपको 3 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन और तीसरा 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है पेट्रोल इंजन के लिए 16.9 किलोमीटर प्रति लीटर और इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है डीजल इंजन के लिए 21.4 किलोमीटर प्रति लीटर। 7th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रीजा। इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का K15B पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 104 bhp की पावर और 138 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए 17.03 किलोमीटर प्रति लीटर और इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए 18.76 किलोमीटर प्रति लीटर। 6th पोजीशन पर है महिंद्रा की एक्सयूवी 300। इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है पेट्रोल इंजन के लिए 17 किलोमीटर प्रति लीटर का और इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है डीजल इंजन के लिए 20 किलोमीटर प्रति लीटर का। 5th पोजीशन पर है फोर्ड की इकोस्पोर्ट। इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.5 लीटर TDCI डीजल पावर ट्रेन इंजन। इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में 15.9 किलोमीटर प्रति लीटर और पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 14.7 किलोमीटर प्रति लीटर और इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है डीजल इंजन के लिए 21.5 किलोमीटर प्रति लीटर का। 4th पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन। इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन। इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है पेट्रोल इंजन के लिए 17 किलोमीटर प्रति लीटर का और इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है डीजल इंजन के लिए 21.5 किलोमीटर प्रति लीटर का। 3rd पोजीशन पर है ह्युंडई की वेन्यू। इस गाड़ी में आपको 3 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5 लीटर डीजल इंजन
और तीसरा 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के लिए 17.52 किलोमीटर प्रति लीटर का और 1.5 लीटर डीजल इंजन के लिए 23.4 किलोमीटर प्रति लीटर का और 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के लिए 18.2 किलोमीटर प्रति लीटर का। सेकेंड पोजीशन पर है होंडा की WRV। इस गाड़ी में आपको दो इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला 1.2 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.5 लीटर डीजल इंजन। इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है पेट्रोल इंजन के लिए 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर का और इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है डीजल इंजन के लिए 23.7 किलोमीटर प्रति लीटर का। और फर्स्ट पोजीशन पर है किया मोटर्स की सोनेट। इस गाड़ी में आपको तीन इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन और तीसरा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है पेट्रोल इंजन के लिए 18.2 किलोमीटर प्रति लीटर टू 18.4 किलोमीटर प्रति लीटर तक का और इस गाड़ी का सर्टिफाइड माइलेज है डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए 24.1 किलोमीटर प्रति लीटर का और डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए 19 किलोमीटर प्रति लीटर का। इंडिया की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली 10 SUVs। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।